वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम देखेंगे कि घर के फर्नीचर को इजीली किस तरह से चमका के नए जैसा बना सकते हैं, और उसे क्लीन करने के लिए आज हम क्लीनर भी घर पे ही रेडी करेंगे, जो मार्केट से बहुत ही सस्ता और अच्छी क्वालिटी का घर पे हम रेडी कर सकते हैं। तो चलिए, क्लीनर किस तरह से बनाना है और उससे फर्नीचर किस तरह से क्लीन करेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्लीनर बनाने के लिए मैंने 150 ml सादा पानी लिया है। उसमें हम विनेगर ऐड करेंगे, व्हाइट विनेगर, जिसे सिरका भी बोलते हैं। तो 2 चम्मच जितना व्हाइट विनेगर इतनी क्वांटिटी में ऐड करना है। अगर विनेगर नहीं है तो 1 नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें डिशवॉश जेल ऐड करेंगे। अगर डिशवॉश जेल नहीं है तो आप कोई भी कपड़ा धोने का पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच पाउडर आप ऐड करें। अभी मैं 1 छोटी चम्मच जितना डिशवॉश जेल इसमें ऐड कर रही हूं। अब इसी के साथ हम 1/2 चम्मच खाने का सोडा ऐड करेंगे, जो हम पकोड़े या ढोकला बनाने के लिए यूज करते हैं, वही सोडा मैंने यूज किया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले और फिर इसे एक स्प्रे बॉटल में भर दे। अब बॉटल को बंद कर देंगे। हमारा क्लीनर बनकर रेडी है। अब इसे यूज करते हैं। आप देख सकते हैं ये किचन का फर्नीचर है, और किचन का फर्नीचर सबसे ज्यादा गंदा होता है, तो अब इसे क्लीन करेंगे। तो पहले साफ कपड़े से एक बार इसे पोंछ ले, ताकि जो भी डस्ट हो वो निकल जाए। अब स्प्रे करेंगे इस तरह से। दूसरा एक कपड़ा ले ले और उसे पोंछते जाए। जो थोड़े से दाग धब्बे हो गए वो एक ही बार में निकल जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा दाग जहां पे होगे वहां आपको 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये दाग आप देख सकते हैं नहीं निकला। तो अब मैं स्प्रे कर रही हूं, और साथ में सॉफ्ट स्पंज मैंने लिया है, जिससे मैं इसे साफ कर देती हूं। स्प्रे करते जाए और स्पंज से इस तरह से साफ करते जाए, तो इजीली जो भी दाग धब्बे है वो निकल जाएंगे। अगर तेल के दाग धब्बे है तो वो भी निकल जाते हैं। इसी तरह से पूरा मैंने क्लीन किया है, फिर कपड़े से पोंछ लेंगे लास्ट में। ये वाला हिस्सा क्लीन हो गया है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से जो किचन ट्रॉली होती है उसे भी हम क्लीन कर लेंगे। तो स्प्रे करते जाए और फिर स्क्रब या कपड़े की मदद से उसे साफ करते जाए। ये मेरा चम्मच का ट्रॉली है, आप देख सकते हैं, वो मैक्सिमम यूज होता है तो वो गंदा भी ज्यादा होता है। इसी तरह से स्प्रे करते जाए और क्लीन करते जाए, बहुत ही इजीली ये क्लीन हो जाएगा। स्प्रे करने के बाद तुरंत ही आपको साफ करना है इसे। अब जो इसके हैंडल होते हैं वो भी मैक्सिमम गंदे हो जाते हैं, तो उसे क्लीन करने के लिए मैंने अभी लिया है नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर से अब हम इसे क्लीन करेंगे। तो टिश्यू पेपर को मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप हम नेल पॉलिश रिमूवर ऐड करेंगे। आप इसके बदले थिनर या स्पिरिट भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्लीन हो चुका है। अब जो टाइल्स का कोने वाला हिस्सा होता है वो वहां पे मैक्सिमम गंदगी जमा होती है, तो उसे क्लीन करने के लिए वहां पे भी हम यही स्प्रे यूज करेंगे। तो मैं पहले स्प्रे कर देती हूं। घर में जहां पे भी आपको कोने में इस तरह की गंदगी लगे वहां पे आप ये स्प्रे यूज कर सकते हैं। अब स्क्रबर की मदद से आप एक बार इसे घिस ले। आप चाहे तो स्क्रबर के बदले कोई पुराना टूथब्रश भी यूज कर सकते हैं, उससे भी दाग आसानी से निकल जाते हैं। तो पूरा कोना इस तरह से स्क्रबर से या टूथब्रश से क्लीन कर ले। उसके बाद एक पोछा ले ले और उसे पानी में भिगो दे, फिर आप ये एरिया क्लीन कर ले। आप देख सकते हैं मैंने पूरा फर्नीचर और टाइल्स का कोने वाला हिस्सा क्लीन कर दिया है, और इसे क्लीन करने में मुझे सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगा है। तो इस दिवाली आप भी इस तरह से फर्नीचर और टाइल्स के कोने चमकाए। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा।